आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसको लेकर जो राजधानी पटना में जो बाजारें हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी पटना के बाज़ारों में जो तमाम जो दियरी होती है, जो डलिया होती है, जो सूप होती है, तमाम तरह की चीज़ें जो बाज़ार में आ चुकी है। और बाज़ार में पूरी तरीके से छठ महापर्व को लेकर एक रौनक देखने को मिल रही है। मेरे साथ एक दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामभजन पंडित। रामभजन पंडित, क्या क्या दुकान पे रखे हैं? दुकान पर मतलब छठ का सारा सामान है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ सामान है, बड़ा दौरा है, बड़ा टोकरी है, हर चीज़ है, छोटा भी है, हाथी भी है, दिया ढक्कन सब है, चम्बुक जो भी छठ में लगता है सब सामान। कितने सालों से बेच रहे हैं? कभी कभी हमको तो सर 50 बरस हो चुका है, 45-50। अच्छा, एक एक करके अपने जो सामान रखे हैं उसका दाम बताइए, इससे क्या दाम है? इसका दाम पड़ता है आपको 225। दौरा का उसका दाम है 250, उससे बड़ा जो डाली है उसका दाम है आपको 40 रुपया। हाँ, उससे छोटा और है, उसका दाम है 25 रुपया। और बड़ा ढाका भी है जो 180 का। सूप रखे हैं, सूप का दाम क्या है? सूप का दाम 70 रुपये पड़ रहा है। अच्छा, इससे पहले जो बाजारों में मतलब इस बार जो ग्राहक होते हैं वो पहुँच रहे हैं या नहीं? अभी तो पहुँच नहीं रहे हैं, इसलिए कि जो कल तो सूर्य ग्रहण लगल था, आज तो मतलब कि जो कि लोग का पर्व है, तो पर्व के चलते अपना पर्व करने के बाद शाम के टाइम में लोग आवेगा, ऐसा बात नहीं है। सम्मा में लोग चलबे करेगा, अभी तो पर्व में भीड़े हुए हैं लोग। जो अभी अपने अपना दाम बताया उसका, पहले जो दाम था उस दाम में इजाफा हुआ है या दाम वही है? ना, पहले के अपेक्षा इजाफा हुआ है। हाँ, पहले ये टोकरी का मैक्सिमम था 180 रुपया में बिकता था 200 तक, लेकिन अब तो 200 का खरीद है, तब वही 10-20-25 रख करके हम लोग बेचते हैं, ज़्यादा नहीं मालूम। डलिया रखे हाथी घोड़ा, इसका क्या प्राइस? ना, इसका तो आपको मतलब कि जो कि हाथी कोसी का दाम है 200 रुपया, समझे ना, मिटिया कोसी का दाम है 60 रुपया, ढकनी का दाम है कोसी भराने वाले 5 रुपया, उससे है 10 रुपया, ओकर बाद है 15 रुपया। चलिए, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो बाज़ारों में रौनक होती है, पूरी तरीके से बाज़ार सज गई है। और सामान लेने आई हैं आप? हाँ जी। क्या लेने आई हैं? सूप दौरा लेने आए हैं। सूप दौरा लेने आए हैं? इस बार आपने ले लिया या अभी लेना है? ले लिए हम। ले लिए? क्या पिछले साल का पिक्चर इस बार क्या हुआ? आबरी तबरी था 35 का था, आबरी है 60 का सूप चल रहा है। पिछले बार 35 का था, इस बार 60 का? 60 का चल रहा है सूप, लिए हैं। दाम बढ़ गया? हाँ, जो ढाका लेते थे 80 के, जो ढाका 140-150 के हुए हैं अभी। कई परेशानी हो रहा है बहुत है, यहाँ लगाते थे 1.5 लाख रुपया, जहाँ 4.5 लाख रुपया लग रहा है पूंजी, उतने में दुकान सज जाता था, भर जाता था, तो लूट रहा है सब व्यापारी। महंगाई बढ़ जाने से लोगों को परेशानी? बहुत परेशानी है। चलिए, देख सकते हैं इस तरफ भी जो सारी जो सामानें होती है जो छठ महापर्व में जो यूज की जो चीज़ें होती है जिसे लोग यूज करते हैं, उन तमाम तरह की चीज़ों की यहाँ पर दुकान लग चुकी है। और पूरा पटना में दुकान पूरी तरीके से सज चुकी। पूजा पाठ के सामान, छठ माता के सब पूरा सामान रखे थे, थोड़ा थोड़ा गरीब आदमी ही थोड़ा थोड़ा रखे ला। क्या लोग पहुँच रहे हैं? हाँ, लोग पहुँच रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राजधानी पटना का जो दुकान है वो छठ महापर्व को लेकर पूरी तरीके से दुकान सज चुका है। और हर दुकानों में जो दौरी होती है जिसका लोग यूज करते हैं दौरा, वो दौरा भी है, छोटी डाली भी है, और सूप भी है, ढकनी दिया होता है, वो तमाम चीज़ें अब बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है। और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने भी पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो दाम बढ़ गया, जो दाम में इजाफा हुआ है, उसको लेकर भी लोगों को परेशानी हो रही है। हालाँकि लोग मंडी में पहुँच रहे हैं, और भी कुछ देख सकते हैं लोग ख़रीदारी करने आए हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या क्या दुकान पर सब सामान रखी? सब चीज़ रखते हैं, मट्टी वाला टोकरी सब, दौरा उड़ा। अच्छा, आप लोग खरीदारी करने आए हैं, क्या कुछ ले रहे हैं? हाँ, क्या कुछ ले रहे हैं? टोकरी ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं, और ये आपको छठी दौरी ले रहे हैं।
अच्छा, क्या मतलब पिछले बार के अपेक्षा इस बार जो दामों में इजाफा था वो क्या देखने को? महंगा मिल रहा है, दाम बढ़ गया है। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से जो दुकानों में सामान होती है वो जो पूजा में जो लोग छठ महापर्व में जो सामानों का इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं ये तमाम तरह की जो बड़ी वाली जो दौरी होती है और छोटी वाली दौरी और छोटा वाला जो डाली होता है जो टोकरी होता है और सूप, तमाम तरह की चीज़ें अब बाज़ार में पहुँच चुकी है और हर एक चीज़ बाज़ारों में उपलब्ध भी है और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर ख़रीदारी करने भी पहुँच रहे हैं। बस सहयोगी गुड्डू के साथ मैं रोहित, धन्यवाद।